जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्र के अतरौली गांव में चौथ मेले का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम का शुभारंभ करने जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत पहुंची, जहां पर उन्होंने कारसदेव स्थान पर लग रहे चौथ मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चौथ मेले के अवसर पर गांव में दांडी नृत्य का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए गांव में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं कार्यक्रम में ग्राम प्रधान गलिया देवेंद्र राजपूत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रपाल राजपूत, गोहांड चरण सिंह राजपूत, प्रधान धगवा रामस्वरूप श्रीवास, पूर्व प्रधान धगवा अध्यापक चंद्रशेखर राजपूत अतरौलिया, भगवान सिंह पाल, लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा के साथ लोगों की भारी भीड़ देखी गई। मेले में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संतराम सिंह राजपूत ने क्या कहा? हमेशा ऋणी रहेंगे। हम आज जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हम आपके बीच में बहुत कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे ही हमारे पास धगवा से कुछ लोग आए कि 5-6 मीटर की रास्ता है और बीच में पलवार का नाला है, तो हमने उन लोगों को भी अवगत कराया था कि मैं सीसी रोड तो बनवा दूंगा, लेकिन जो आपका नाला है उसमें मैं अभी असमर्थ हूँ। तो मैं आपको विश्वास, मैंने आपके यहाँ अभी 5 मीटर सीसी पास की है। 5 मीटर में जितना हो जाएगा उतना आपका बन जाएगा, फिर जितना छूटेगा मैं दूसरी शिफ्ट में वो भी करवा लूँगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य 2015 में बनाया, क्योंकि उस समय पर तो वंदना यादव जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी, लेकिन ही कारण हम लोगों ने विश्वास का अविश्वास कराया। और एक साल पहले हम लोग यहाँ पर सितंबर में जिला पंचायत अध्यक्ष बने, और हमारी कोशिश है कि जिले में जितने भी कार्य हम करा सकें उतने कार्य कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अतरौली में भी लोगों ने कुछ काम कराए हैं, और विशेष तौर पर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि अतरौली दगवा, क्योंकि इन गांवों से मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद मिला था, इतना अच्छा समर्थन मिला था आप लोगों का। मैं हमेशा ऋणी रहूंगी आप लोगों की, इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए सुनील राजपूत की रिपोर्ट।